रामायण को मॉडर्न लुक देने और मार्वल जैसी फिल्में बनाने के चक्कर में आदि पुरुष के डायरेक्टर और मेकर्स ने फिल्म का सत्यानाश कर दिया। जनता ये मूवी देखकर भड़की हुई है और दूरदर्शन से वापस रामानंद सागर वाली रामायण चलाने की बात भी कह रही है। 650 करोड़ में बनी आदि पुरुष भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, लेकिन VFX देखने के बाद लोगों को ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी भी अच्छी लगने लगी। साथ ही इस तरह के डायलॉग जो मूवी में बताए उसे दर्शकों को देखकर और गुस्सा भी बढ़ा है। आज लेकिन हम इस फिल्म की बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं VFX की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि कैसे AI आने वाली फिल्मों में अच्छे VFX को और अच्छा बनाने में मदद कर सकता है। तो AI कैसे बदल सकती है VFX की दुनिया? आज जब सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड इमेजेस की बाढ़ सी आई हुई है, ऐसे में VFX के लिए AI का मदद लेना कोई नई और अनोखी बात नहीं है। AI की मदद से पोस्ट प्रोडक्शन का काम आसान भी हो जाता है और अफोर्डेबल भी हो जाता है। मूवी डायरेक्टर्स AI की मदद से पहले की यानी पास्ट में और फ्यूचर में जो चीज़ें हो सकती हैं उसको विजुलाइज बेहतर तौर पे कर पाते हैं, उसे ग्राफिक्स में बनाने में मदद मिलती है, और इतना नहीं एक्टर्स को भी इससे अपने कैरेक्टर को और बेहतर डिलीवर करने में मौका मिलता है। AI के जरिए कई सारे पोस्ट प्रोडक्शन के काम हैं जहाँ पर अब कॉस्ट भी बहुत ईजी हो गई है, कम लागत लग रही है और इनकी मदद लगातार AI टूल से मिल ही रही है, जिससे बेहतरीन ग्राफिक्स बन रहे हैं। ऐसे में अगर फिल्म इंडस्ट्री भी AI की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो ना सिर्फ कम कॉस्ट में बेहतरीन ग्राफिक्स बन सकेंगे बल्कि व्यूवर्स को भी कुछ नयापन देखने को मिलेगा। तो आप भी हमें इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखें, ये बताएं कि पोस्ट प्रोडक्शन के अलावा और कहां-कहां फिल्म इंडस्ट्री AI की मदद ले सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।